नजर दौड़ाओ तो दूर दूर तक मुंडियां ही मुंडियां नजर आ रही। या तो कोई उनका अपहरण कर ले या किसी हादसे में वो दोनों मारे जाएं। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वाह भाई वाह, मतलब हंसी का एक रास्ता, रास्ता ठहाकों का ऐसा रास्ता, खुशी का एक ऐसा रास्ता जहां मैं आपका हम सफर हूं, और जब मैं हम सफर हूं तो फिर चिंता किस बात की। जिंदगी में जब भी कोई तकलीफ आए, मुश्किल आए, बस आंख बंद कीजिए और मेरा चेहरा सोच लीजिए, अपने जहन में सारी तकलीफें अपने आप दूर हो जाएंगी, और इंतजार कीजिए कब आप मुझसे मिलेंगे। और यकीन मानिए, जब मैं आपसे मिलूंगा तो सारी तकलीफें हर लूंगा। मैं ईश्वर नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, कोई नहीं हो सकता, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, अदना सा, लेकिन इतनी कोशिश जरूर है हमारी कि हम आपकी तकलीफें हम जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर कर दें और हंसते हुए कहते रहें वाह भाई वाह। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, जैसे एक औरत पुलिस थाने में चली गई, हमारे ये एक हफ्ते से घर नहीं आए, एक हफ्ता हो गया, ढूंढ दीजिए जरा। पुलिस वाले को निशानी, हाँ जी दो है, पप्पू 6 साल का और मुन्ना 4 साल का। निशानी तो कुछ भी हो सकती है, जैसे पुलिस से ही मुझे अचानक याद आ गया, एक औरत के पास फोन आया, तुम्हारा बेटा हमारे पास है, 25,000 रुपए लेके आओ। बोले मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस ही बोल रहे हैं चालान हुआ, इसका किडनैप नहीं किया है हमने, 25,000 लेके आज हम छोड़ेंगे। बात तो कुछ भी हो सकती है, जैसे किसी ने किसी से पूछा पत्नी किसे कहते हैं, तो बोला जो जिसके साथ हम 7 फेरे लेते हैं उसे पत्नी कहते हैं, दूसरा बोला जिसके साथ हम जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं उसे पत्नी कहते हैं, तीसरा बोला नहीं जो हमारे 7 जन्मों की साथी होती है उसे हम पत्नी कहते हैं, एक चौथा बोला सब फालतू की बात, सब फालतू की बात, हम बता दें पत्नी की असली परिभाषा, पत्नी किसे कहते हैं, बताओ किसे कहते हैं। बोले जो अपने पति से 5,000 रुपए लेके 6,000 रुपए का खर्चा बता के 1,500 अपने पास रख ले उसे ही पत्नी कहते हैं। तो हिसाब जिंदगी में सही होना चाहिए, और हंसी का हिसाब बड़ा कमाल का होता है, व्यंग का हिसाब बड़ा कमाल का होता है। ये वो 3 लोग हैं जो हंसी और व्यंग का हिसाब अपने पास रखते हैं। उनमें है एक प्रवीण परिमल साहब जो गया के रहने वाले हैं, गया बिहार में, और इस वक्त वो रांची झारखंड में रहते हैं। प्रवीण परिमल, गया भगवान बुद्ध का गया, अद्भुत गया शहर जो है हमारा, बड़ा धार्मिक शहर है और बड़ी पवित्र स्थलीय गया, वहां से प्रवीण परिमल आते हैं। उनके पास बैठे हैं आशीष कवि गुरु जो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आते हैं, और साथ में है पंकज जौहरी जो गुड़गांव से हमारे बीच में आते हैं। तो आइए सबसे पहले उस युवा को बुलाता हूं जो प्रसिद्धि के शिखर पर चढ़ने के लिए बेताब है, आशीष कवि गुरु। चार पंक्तियां सुनिएगा आप लोग जी, इसे मैं शुरू करता हूँ। सुनाओ। कि दिल में काई जमी रही होगी, हाय कि दिल में काई जमी रही होगी, जाने क्या जिंदगी रही होगी, जाने क्या जिंदगी रही होगी, वो मुहब्बत में इसलिए न चली, वो मुहब्बत में इसलिए न चली, कैल्शियम की कमी कि मुझसे मिलने को छटपटाएंगी, मुझसे मिलने को छटपटाएंगी, वास्ते मेरे प्यार लाएंगी, एक दफा छोड़ कर तू देख मुझे, एक दफा छोड़ कर तू देख मुझे, तेरे जैसी 1,000
बात नहीं चाहिए। हाय हाय, वाह आशीष वाह। कि तितलियों की मुहाबत नहीं चाहिए, मछलियों की मुहाबत नहीं चाहिए, शेर है यार हम शेरनी ही मिले। हाय हाय, शेर है हम यार शेरनी ही मिले। शेर है यार हम शेरनी ही मिले, बकरियों की। वाह आशीष वाह। पर बेटा तेरे को बताता हूँ अनुभव की बात, बकरियों से मोहब्बत में फायदा है, जो फायदा तितलियों में नहीं है, मछलियों में नहीं है, शेरनी में नहीं है, लड़कियों में भी नहीं है, वो बकरियों में है। बकरी से मोहब्बत करो, उससे पूछो हु लव्स मी, मैं। हु वॉन्ट्स टू बी विथ मी, मैं। हु इज माई लाइफ लाइन, मैं। इसलिए चार पंक्तियां सुनिएगा जो आजकल लड़के बाबू सोना धनिया पुदीना में अटके रहते हैं। कि आग दिल में लगा कर चली जाए। क्या बात आशीष। आग दिल में लगा कर चली जाएगी, दिल में हलचल बढ़ा कर चली जाएगी, जिस हिरन के लिए तुम बने हो गधे। जिस हिरन के लिए तुम बने हो गधे, तुमको उल्लू बना कर चली जाएगी। क्या बात। तुमको उल्लू बना कर चली जाएगी। कौन से? एक गजल सुनाता हूँ, पहले एक मुक्तक मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। हाँ। कि सुनो दिल को जमाने में मदारी हम नहीं करते। कि सुनो दिल को जमाने में मदारी हम नहीं करते, किसी भी बेवफा से दिल से आरी हम नहीं करते। बहुत बढ़िया आशीष। किसी भी बेवफा से दिल से आरी हम नहीं करते, तुम अपने रूप की गर्मी दिखाओ और कहीं जाकर। ये कॉन्फिडेंस चाहिए। जब महंगी से महंगी गाड़ी निकल जाए तो गाड़ी निकलने के बाद उसे खटारा कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छे। एक गजल सुनिएगा। सुनाओ सुनाओ। कि तुम्हें देकर के तन्हाई मोहब्बत मार डालेगी। हाय हाय। आशीष बहुत बढ़िया। यही दस्तूर है इन बेवफाओं की अदालत का। यही दस्तूर है इन बेवफाओं की अदालत का, नहीं होती है सुनवाई मोहब्बत मार डालेगी, नहीं होती है सुनवाई मोहब्बत मार डालेगी।
क्या कौशाम्बी के कवि गुरु, कमाल कर दिया तुमने। आज तुम्हारे माता पिता बड़े प्रसन्न होंगे कि हमारा बेटा टेलीविजन पे आ रहा है और सिर्फ आ नहीं रहा, छा रहा है, सारे दिलों पे छा गया। चलिए बेवफाई क्यों की जाए यार, वफाई तो है, एक से नहीं दस से करो, वफा होनी चाहिए, वफा जरूर होनी चाहिए जिंदगी में, वफादारी जरूर होनी चाहिए। और कुछ हो ना, वफादारी जरूर रखिए। रिश्ता बनाए तो ऐसा बनाए हमेशा साथ निभाए, रिश्ता कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ रिश्तों की कोई परिभाषा नहीं होती, कुछ रिश्तों की कोई डेफिनेशन नहीं होती, मगर रिश्ता रिश्ता होता है। आपका और मेरा भी जो कमाल का रिश्ता है वो अद्भुत रिश्ता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं और आप मुझसे प्यार करते हैं मैं जानता हूं। और इसी कड़ी में बुलाना चाहता हूं पंकज जौहरी। मैं हरियाणा का आदमी, मुंबई आ गया, यहाँ की लोकल ट्रेन में बैठ लिया। मेरी हालत देखो आप, चारों तरफ नजर दौड़ाओ तो दूर दूर तक मुंडियां ही मुंडियां नजर आ रही थी। इतने पास पास चेहरे, इतने पास पास चेहरे, मुंह इधर से उधर घुमाओ तो डर लगता कहीं जुम्मा चुम्मा ना दे। मेरा एक फ्रेंड है सरीन, वो हमेशा खाने पीने की बातें करता रहता है, हमेशा खाने पीने की बातें करता रहता है। एक बार इसने 20 नान खा ली, अगले दिन इसके कमरे से आवाजें आ रही थी, हे भगवान, या तो मेरी जान निकाल ले या तो मेरी नान निकाल दे। मुझसे कहने लगा, यार जौहरी तू जीन्स पहना कर यार, बहुत स्मार्ट लगेगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं जीन्स वींस नहीं पहनता। बोले यार जीन्स नहीं पहनता तो फिर कचौड़ी खा के हाथ कहां पहुंचता है। एक बार सरीन जो है टूटा फूटा लंगड़ाता हुआ आ रहा था, मुंह सूजा हुआ। मैंने पूछा यार सरीन क्या हुआ? बोले यार मजे मजे में हम हवाई जहाज में बैठ लिए। मैंने हवाई जहाज में बैठ लिए तो अच्छी बात है, मुंह क्यों सूजा हुआ तेरा? बोले यार पूछो मत, वहां पे हमको बहुत मारे, ऐसी ऐसी जगह मारे हम बता भी नहीं सकते। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले यार हमको प्लेन में बहुत जोर की टॉयलेट लगी थी, एक दिन पहले दावत करके आए थे, पेट हमारा पहले से ही लूज था, टॉयलेट गए तो देखे तो इतने बड़े हम, इतना छोटा सा टॉयलेट। किसी तरह घुस के हमने दरवाजा बंद कर लिया तो वहां लिखा था, कृपया कमोड के भीतर कुछ भी ना गिराए। पूछ मत जौहरी, बहुत तकलीफ हुई, कैसी कैसी पोजीशन में मैंने ट्राई किया, मगर भगवान कसम खा के कहता हूं कमोड के अंदर कुछ नहीं गिरने दिया, जो कुछ गिरा बाहर ही गिरा। तो ये जो सरीन जैसे लोग होते हैं, ये जिंदगी भर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते, ये जिंदगी भर अपने प्रेमिका से अपने दिल की बात कह ही नहीं पाते। प्रेमिका का पिता था डेंटिस्ट, तो सरीन एक दिन ताव में आ गया, बोले यार बहुत ट्राई कर लिया, आज आ रहा प्यार, आज मैं तेरे बाप से तेरा हाथ मांग के रहूंगा। चला गया उसके बाप के डेंटल क्लिनिक पे। शाम को प्रेमिका मिली, अरे तुमने मेरे पापा से शादी की बात की? अरे नहीं, आज तीसरा दांत भी उखड़वा लिया। तो इस तरह के लोग जो अपने दिल की बात कह नहीं पाते, उनके लिए एक गजल लिखी है मैंने, गजल आपके सामने रखता हूं, कि हकीकत में छुपते छुपाते रहे हैं, हकीकत में छुपते छुपाते रहे हैं, कि ख्वाबों में तुझको टुलाते रहे हैं, और तेरी एक झलक भी ना छूटे नजर से, तेरी एक झलक भी ना छूटे नजर से, तो हॉस्टल के चक्कर लगाते रहे हैं। तुझे बारिशों से बचाने की खातिर, तुझे बारिशों से बचाने की खातिर, तेरा ही तो छाता छुपाते रहे हैं, और अटेंशन तेरा ही तो पाने को पगली, अटेंशन तेरा ही तो पाने को पगली, सहेली को तेरी पटाते रहे हैं। गलत फोन करके, इश्क में है बात तो कर नहीं सकते, तो गलत फोन करके तुम्हारी जुबानी, गलत फोन करके तुम्हारी जुबानी, शट अप इडियट, हमको भाते रहे हैं। और अटरिया पे चंदा बुलाने की जिद में, अटरिया पे चंदा बुलाने की जिद में, तेरे घर की बिजली उड़ाते रहे हैं। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया।
प्रवीण परमल जो हमारे बीच आए हैं रांची झारखंड से और मूलतः रहने वाले गया बिहार के। मित्रों सीधे सीधे मैं अपने औकात पर आता हूं और एक वैचारिक कविता आपको सुनाता हूं। इस वैचारिक कविता का शीर्षक है लाचार बाप। आप देखिए कि बाप की लाचारी क्या क्या होती है। वैचारिक कविता सुनाए लाचार बाप। कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस धराधाम पर मैं किस तरह का पिता हूं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस धराधाम पर मैं किस तरह का पिता हूं जो अपनी तीन कुमारी बेटियों के लिए हरदम मनाता रहता है कि वह छुप छुपा कर नहीं मेरी नजरों के सामने ही किसी के साथ भाग जाएं। ओहो कि वह छुप छुपा कर नहीं मेरी नजरों के सामने ही किसी के साथ भाग जाएं या फिर अपने कुंवारेपन से इस हद तक ऊब जाएं कि या तो खुद से फांसी लगा लें या किसी गहरी नदी में जाकर डूब जाएं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस धराधाम पर मैं किस तरह का पिता हूं जो अपने दो जवान बेटों के लिए हरदम मनाता रहता है कि या तो कोई उनका अपहरण कर ले या किसी हादसे में वो दोनों मारे जाएं। या तो कोई उनका अपहरण कर ले या किसी हादसे में वो दोनों मारे जाएं। निःसंदेह आपको ऐसा सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा लेकिन मैं क्या करूं ऐसी कामना करना है मेरी लाचारी क्योंकि मेरी बेटियां हैं भूख गरीबी और बेकारी। क्योंकि मेरी बेटियां हैं भूख गरीबी और बेकारी। अब आप ही बताएं है कोई दुनिया में ऐसा माई का लाल जो स्वेच्छा से सामने आए और मेरी तीनों बेटियों को एक ही साथ ब्याह ले जाए। क्या बात और मेरी तीनों बेटियों को एक ही साथ ब्याह ले जाए। निसंदेह आपको ऐसा सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा लेकिन मैं क्या करूं ऐसी कामना करने को हूं मैं लाचार क्योंकि मेरे बेटे हैं आतंकवाद और भ्रष्टाचार। बोलिए आप में से है कोई तैयार जो मेरे बेटों की सुपारी लेता है। अरे बदले में यह लाचार बाप उसे जीने लायक समतामूलक समाज देने का वचन देता है। वाह बोलिए है कोई तैयार। ना समझो समझ सको तो समझो कि मैं इतना किस लिए चिंतित और परेशान हूं नादानो मैं और कोई नहीं तुम्हारा अपना हिंदुस्तान हूँ। प्रवीण परिमल जी वाह बहुत बढ़िया सचमुच इस कविता ने जो चेतना जागृत की है। कई बार लोग कहते हैं युवा पीढ़ी देश के बारे में नहीं सोचती, युवा पीढ़ी जो कुछ सोचती वो नहीं सोचा जाना चाहिए ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इन्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि युवा पीढ़ी देश के बारे में नहीं सोचती। ये देश के बारे में सोचते हैं, देश की समस्याओं के बारे में सोचते हैं और इन्हें अगर ठीक राह दिखा दी जाए तो ये निश्चित तौर पर देश के और दुनिया के विकास के लिए एक उज्ज्वल और स्वर्णिम भविष्य के लिए अपना नाम भी करेंगे परिश्रम भी करेंगे। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि ये कविता आप तक पहुंची, इसलिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, उन करोड़ लोगों तक पहुंची जो इस कैमरे के द्वारा आपको देख रहे हैं। पंकज जौहरी ने बेवफाई की बात की और बात की अपने मित्र सरीन की और ठीक उसी तरह से आशीष कवि गुरु ने बताया कि मोहब्बत मार डालेगी और प्रवीण परिमल ने हिंदुस्तान की व्यथा को अपने शब्दों में पिरोया। ठीक इसी तरह हम इसी तरह यहाँ कविता लाते रहेंगे और आपके दिलों को मुतासिर करते रहेंगे और आप मेरे साथ कहते रहेंगे वाह भाई वाह।